आप सारे कैसे हैं? होप आप सारे के सारे हैप्पी हेल्दी एंड सेफ हो। तो आज का डीएसएस स्टार्ट हो रहा है कि आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मंडे को है मेरी और नीति की वेडिंग एनिवर्सरी। कैसा लग रहा है नीति? और अभी हम जाएंगे मार्केट और फिर हम जाएंगे दादी हाउस। इधर से लेफ्ट है और इधर मार्केट है और फिर इधर से इधर तक घूम के दादी हाउस। दादी हाउस जाना है आपने? क्या करोगे दादी हाउस जाके? खेलूंगा। खेलोगे? हाँ। दादी हाउस में खेलते नहीं हो? नहीं। दादी हाउस में क्या करते हो? स्टडी? हाँ, ओनली स्टडी। ओके, और नानी हाउस में स्टडी नहीं होती? ओनली प्ले होता है। ओके, दादी सुन रहे हो? पीछे दादी बैठी, दादी सुन लो, दादी हाउस में ओनली स्टडी होती है और कुछ नहीं होता है। नानी हाउस में होता है सब। यहाँ तो स्टडी करा ना दा, हाँ दादी नानी हाउस में जाके खेलेगी ना, तब इनकी छुट्टियाँ बढ़ जाएगी। सो वो तो अभी टाइम है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे वेयर वी आर गोइंग फॉर द समर। नाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय समथिंग फॉर मी, फॉर नीति, फॉर मामा, पापा एंड एवरीवन। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। पीछे मामा भी मुझे कुछ दिलाना चाहती है, मगर मामा को मैंने कहा है मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। अगर आप मुझे दिलाना ही चाहती हो तो आप मुझे दिलाओगी एक क्यूट सा प्योर सा बैग, ठीक है मामा? तो यहाँ पे मेरी राइट में शिव जी का टेम्पल है जिसको हिजू हमेशा प्रणाम करती है। देखो ये राइट में मैंने आपको बताया था, यहाँ शिव जी का टेम्पल है और यहाँ पे इतना रश होता है ना कि एक सेकंड के लिए भी आप रोक नहीं सकते हो, इतना ज्यादा है। और प्लस पूरी रोड टूट चुकी है, जैसे ये जो है ना पूरी रोड टूट ही चुकी है। अभी ये जो है ना रास्ता पूरा खिल चुका है और अभी ना ये चले का है ना जो चले। यू लव स्टडी? यस। सो व्हाट डू यू वांट? What do you want? I want the study table. You want the study table? मम्मा, हेजू ने बता दिया कि हेजू को चाहिए स्टडी टेबल। आपको क्या लेना है? ये बोला है मम्मी को जो चाहिए वो हम दिलाएंगे और जो हमें चाहिए वो मम्मी दिलाएगी। क्या बोलते हो नीति? बिल्कुल सही बात है। इधर देख के बोलो। बिल्कुल सही। और आपको क्या लेना है? मेरे को तो देखेंगे जो मुझे पहले ना, आजकल वो चले हुए ना वो जो मोबाइल के ऊंची वाले जो डिजाइन वाले कवर वाला आता है ना, आई वॉन्ट दैट वन। और ब्लूटूथ के लिए भी चाहिए मुझे। और देखती हूँ, मुझे हिजू के लिए बहुत सारा सामान लेना है और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और आप मुझे बताओ हिजू का ड्रेस कैसे लगा आज? हेजल ने पहना है समर कलेक्शन का एकदम प्यारा सा फ्लोरल ड्रेस विद उसने मैचिंग। ये देखो, देखो इसमें ब्लू एंड येलो है और हिजू के रबर में देखो ब्लू एंड येलो, और हिजू का शेड्स भी व्हाइट और हिजू का ड्रेस भी ब्लू। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग और दादी हाउस, और उससे ये पूरी रोड टूट चुकी है। अभी सारी रोड बनेगी लेकिन कुछ तो होगा, जैसे येलो और ब्लू, येलो येलो और ब्लू, और मेरे शेड्स और वाइट है। और ये है पापा, ये है पापा, ये है दादी और ये मैं हूँ। ये पापा, ये मम्मा, ये मम्मा, ये दादी। यहाँ से लगा अभी आधा घंटा और हाफ एन आवर और दिन तो यहाँ पे इस रोड पे तो ट्रैफिक नहीं होता। आज ट्रैफिक, अच्छा आज संडे है ना इसलिए। वीडियो कहाँ से देख रहा है? अगर दिल्ली से देख रहा है तो हमें तो खैर पता ही है, मगर दिल्ली के अगर बाहर से ये हेजल का व्लॉग देख रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपके वहाँ पे गर्मी कितने डिग्री पे पहुंची है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। अगर जस्ट इमेजिन कि अप्रैल में ये वाला हाल है तो मई जून में क्या होगा, है नीति? मई जून में आदमी बंद आया, कैसे बहुत गर्मी, बाहर नहीं निकल सकते तुम, गाड़ी के अंदर एसी में हो। राइट में जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम और हम एयरपोर्ट के पास है। अब हम ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है और हम टनल के अंदर से जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। हाय, आई विश हम कहीं भी जाते ऐसे रहता है ना डार्क, कितना अच्छा लगता है। रात में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ रियली। हमारी आगे ना एम्बुलेंस जा रही है तो हेजल वो रीड करी थी ए एम्बुलेंस के पूरे लेटर, वेरी गुड। जैसे ये बनाया एक स्टैचू यहाँ पे, और यहाँ पे सब कोविड का ये बनाया हुआ था। ये कोविड के टाइम पे यहाँ पूरा शिव वो लगे थे, टेंट्स वगैरह जितने भी दिल्ली में लोग जो को ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो यहीं पे बैठे थे अंदर। मगर एक बात है, दिल्ली पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, इस वाले एरिया में ग्रीनरी ज्यादा है, बहुत अच्छा है। ये देखो हम जा रहे हैं, अभी देखो कितना है धोला कुआ, ग्रीनरी
के हिसाब से अच्छा है, ग्रीनरी भी अच्छी है, पीस भी है, मगर ये ट्रैफिक का क्या हाल है? ट्रैफिक तो हर जगह ऐसा ही है, दिल्ली का ट्रैफिक का यही हाल, मुंबई का यही हाल, देहरादून का यही हाल। आपको बोला था गाइज, आपको जहाँ पे एकदम क्लीन होगा वो आर्मी का एरिया होगा। ये देखो आर्मी वाला है पूरा सारा का सारा, देखो कितना अच्छा, ये देखो इतना नीट एंड क्लीन वाला एयरफोर्स का है। ये क्वार्टर्स है यहाँ पे अंदर, यहाँ एयरफोर्स वाले हैं, यहाँ पे भी कैंटीन है, और यहीं पे हमारा आर्मी का आरआर हॉस्पिटल जो बहुत टॉप लेवल का वाला चाहिए। हाय शिकंजी, किस किस को शिकंजी पसंद है? हम दोनों के मुंह से मिली, हमें कुछ अच्छी मिली। अरे मम्मी शिकंजी, मम्मी गर्मी में गोलगप्पे खाने का अलग मजा है। कुछ चिढ़ा रहे हैं कि गर्मी में, ये दोनों तरफ आर्मी के एरिया। मम्मी गर्मी में खड़े होकर गोलगप्पे खाओगी? कभी नहीं, बस आएंगे और गोलगप्पे लगेगा। आंटी और तीखा चाहिए? लो मम्मी। सो अब यहाँ से हमें 10 मिनट्स लगेंगे, तो अब मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? डैडी हाउस तो हम एसएन मार्केट जा रहे हैं। आप सबको पता है दिल्ली की नंबर वन मार्केट है सरोजनी नगर मार्केट। हम सरोजनी नगर जा रहे हैं और हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और आप जिस जिसको नहीं पता, जो कभी आया हो सरोजनी नगर मार्केट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो आना चाहता हो वो भी कमेंट सेक्शन में करना, जो आके जा चुका हो वो भी कमेंट करना। तो मुझे बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। अभी सिर्फ 10 मिनट्स रह गए। हम लोग ना कॉलेज टाइम में बहुत जाते थे। मैं अपनी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर मेरा ब्लॉग देखेगी तो डेफिनेटली बोलेगी और मुझे डांटेगी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मार्केट गई है। हम मार्केट जा रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी कुछ लेना है और हम बस पहुंचने वाले हैं। हम लोग ना गाड़ी बैठे और जस्ट मेरे सामने होटल हयात है, मैं आपको दिखाती हूँ। हयात एट से हेजल। हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, अंदर नहीं जा सकते थे जैसा कि आपको पता है, संडे का डे है और बहुत ज्यादा रश था। फोन पकड़ते हैं हम, तो मैं फोन निकालती तो फोन कोई और ले जाता और वो व्लॉगिंग कंटिन्यू करते था, क्योंकि कोई पर्पस नहीं था। सो फाइनली अब हम निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और वहां से निकल के इतना रिलैक्स मिल रहा है। और वहां जाके पता है क्या, हिजू ने इतनी आइसक्रीम खाई है कि वहां जाके इसकी ड्रेस हो गई थी पूरी पूरी वेट हो गई थी। और वहां पे फिर हम लोगों ने उसी टाइम टी शर्ट ली और चेंज किया। हिजू दिखाओ, पीछे लूसी बैठी है। हाय लूसी। ये हेजू की बेस्ट फ्रेंड। मम्मी ने देखो, मम्मी के चेहरे पे कितना ग्लो। मम्मी ने कुछ लिया ही नहीं शॉपिंग में। मम्मी कह रही है मुझे तुम लाए क्यों? मतलब सीरियसली अगर मैं बोलूँ, हम लोग अगर वहाँ पे मतलब बच्चों को मत लाओ, बच्चों के लिए बहुत वो हो जाता है। मम्मी लोग भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इतना रश था ना, और लोग ऐसे भाग रहे, ये देखते नहीं कि सीनियर सिटीजन है कुछ भी है, वो भागे जा रहे हैं, आपका बैग भी ले जाएंगे, ऐसे भाग रहे हैं। तो हमने सोचा अगर हम दूसरी शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं अकेले आ जाऊंगी, हेजी को लेके नहीं आऊंगी और मम्मी को लेके नहीं आऊंगी। वो मम्मी के साथ, दादी के साथ रिलैक्स करेगी, सोएगी, है ना मम्मी? नेक्स्ट टाइम नहीं आओगे? है हिजू इधर देखो, नेक्स्ट टाइम आप आओगी? नहीं। पक्का नहीं? आप इस बोतल से क्यों पी रहे हो जबकि आपकी खुद की बोतल है? सो मैंने आपको जाते हुए कहा था कि मुझे और कुछ लेना हो ना हो, मगर मुझे जो लेना था वो मुझे जाते ही मिल गया। और ये है मेरे मोबाइल का कवर, ये मेरे चार्जर का कवर मुझे मिला, ये वाला बड़े क्यूट था। वैसे हमारी पूरी फैमिली को डोरेमोन बहुत पसंद है, लेके हमारे पूरे घर को डोरेमोन बहुत पसंद है, जो कि और हम लेडीज को डोरेमोन से बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। तो हेजल सेड कि शी वांट डोरेमोन बट आई डोंट वांट, तो मैंने ये वाला लिया है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये सबसे क्यूट था। हेजू आपको कैसा लगा? ये कैसा लगा हेजू? इधर देखो, इधर मुझे लग रहा है कि ये रेजर है। रेजर? हाँ, पता है गाइस, लूसी ने ना हेजू के बर्थडे पे बहुत प्यारे प्यारे इरेजर लिए हैं, और वो वाले इरेजर मैंने हाइड करके रखे हेजू से, क्योंकि मैं नहीं चाहती हेजू वो यूज करे, वो क्योंकि बहुत क्यूट है। और वो ऐसे वाले ही हैं और लिए। और अब हम निकल रहे हैं। अब हम कितनी देर में पहुंचेंगे नीति? आधा एक घंटा। नीति तो आना ही नहीं चाह रहे थे, सोचो सबके तो हस्बैंड लोग कहते हैं हम नहीं आएंगे, नीति तो आना ही चाहते थे। नीति चाह रहे थे मैं सरोजनी नगर में रह लूं। अभी आप चेहरा देखना, देखो कैसा लगा नीति? बढ़िया पता नहीं, हम ना बहुत टाइम के बाद गए और मार्केट पे हम चल रहे चल रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के बाद पैर के दर्द होता है मम्मी, है ना? ऐसे लिटरली ऐसा लग रहा है, और जबकि वो तो पूरा फ्लैट है। हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने कन्नू के लिए कपड़े मंगाए, मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने का, बेल लाइकन, और आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल जाएगी। इधर दबा दो, आप तो हो मेरे अच्छे बच्चे, तो इस कमेंट में दबा दीजिए। Stay tuned, everyone.